जब लोग मार्केट में निकलते 50 से 60 लाख रुपए का बजट लेकर एक गाड़ी खरीदने के लिए, तो लोग यूजली सोचते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में, या फिर मर्सिडीज़ की ए क्लास के बारे में, या फिर आपकी BMW की 2 सीरीज़ के बारे में। वेल, आई डू हैव एन ऑप्शन फॉर यू जो इन तीनों गाड़ियों को सरप्रास कर देता है। लेट मी इंट्रोड्यूस द न्यू स्कॉडा सुपर LNK एडिशन। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं हूँ आपका होस्ट ऋतिक, ईशान पाजी भी हमारे साथ है, और हम आ चुके हैं आर्य स्कॉडा मोतीनगर के अंदर, एंड दिस इज द स्कॉडा सुपर LNK एडिशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं इस स्कॉडा LNK की प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो इसका प्राइस है 54 लाख रुपीज़ एक्स शुरू। एंड जो ये वाला यूनिट हमारे साथ आज खड़ा हुआ है, ये एक CBO यूनिट है, एंड ये UK से इंपोर्ट हुआ हुआ है। अगर इस गाड़ी की हालत में चाबी की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का बटन मिल जाता है, एंड आपको बहुत अच्छी खासी क्रोम फिनिश यहाँ पर मिलती है, जरूर दीजिएगी। एंड द की इज़ ऑन द वेरी वेरी स्लीकर साइड। जो इस गाड़ी का फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा आपको एक प्रीमियम लुक दे देता है। आपको यहाँ पे क्रोम वाली ग्रिल देखने जरूर मिल जाती है। जिस गाड़ी के अगेन ये हेडलैम्प्स आपको इसमें प्रोजेक्टर लैम्प मिल जाते हैं, एंड दिस वन इज़ अ क्रिस्टल लाइट, एंड ये सारी वाइट LED है। आपको नीचे तरफ भी यहाँ पे वाइट कलर के फॉग लैम्प्स जरूर दे दिए गए हैं। आपको फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दिस कार इज ऑल्सो लोडेड विद द ADAS लेवल 2 एट द सेम टाइम। स्कोडा की बाजिंग आपको अगेन यहाँ पे सेंटर में जरूर दे दी गई है। अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे साइड प्रोफाइल की ओर चल लेते हैं, सो आपकी जो LNK की बैजिंग है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएगी। आपको इस गाड़ी के अंदर कॉन्टिनेंटल का टायर मिल जाता है, एंड टायर साइज इज 435/45R18। 18 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं, एंड इट लुक्स वेरी वेरी कूल टू मी। फ्रंट एंड रियर में आपको यहाँ पे डिस्क दे दी गई है। अगर इस गाड़ी के मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे 4.8 मीटर की यहाँ पे लेंथ मिल जाती है। 2.8 मीटर का आपको इस गाड़ी के अंदर व्हील बेस मिल जाता है। 151 mm की आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। एंड अगेन अगर इस गाड़ी के यहाँ पे मैं डोर सेल्स की बात करता हूँ, सो काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग भी जरूर दे दी गई है। जो इस गाड़ी के चारों दरवाजे हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया गया, एंड इट इज़ अ टच सेंसिटिव वन, सो आपको चाबी यूज़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे बहुत अच्छा खासा शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। एंड अगर इस गाड़ी की हम यहाँ पे रियर की ओर चल लेते हैं, एंड मैं इस वाले मिरर की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर मिल जाता है। जो ये वाली टेल लाइट है, अगेन आपको ये पूरी पूरी LED वाली मिल जाती है। सुपर की बाजी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख जाएगी, स्कॉडा की बाजी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख जाएगी, एंड बहुत अच्छी आपको यहाँ पर क्रोम ग्लास मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। जो इस गाड़ी का बूट है वो बहुत अच्छा खासा खुल जाता है इस बटन से, एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिक टेल गेट। आपको इस गाड़ी के अंदर 625 लीटर की आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है। आपको यहाँ पे वाइट लाइट भी दे दी गई है। जो ये वाली सीट है 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। 5 लीटर आपको यहाँ पे दे दी गई है, एंड अगेन यू कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर टू इफ़ यू वॉन्ट। स्कोडा सुपर की रियर सीट आपको आराम से 80 लाख रुपया 1 करोड़ की गाड़ी वाली फीलिंग जरूर दे देती है। आप अगर मैं इस गाड़ी की ये वाला डोर पैनल की ही बात कर लेता हूँ, सो अगेन आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सनलाइट देखने को जरूर मिल जाए फॉर प्राइवेसी पर्पस इटसेल्फ। आपको यहाँ पे अगेन एक ट्विटर मिल जाता है। आपको इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे खासे यहाँ पे डोर हैंडबैग क्रोम में फिनिशिंग हुए मिल जाएंगे। पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएगी। आपको इस गाड़ी के अंदर अगेन डुअल टोन वाला यहाँ पे लेदर इंटीरियर देखने को जरूर मिल जाएगा डोर पैनल के अंदर। टैन कलर की आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे फिनिशिंग दे दी गई है। आपको अगेन यहाँ पे ब्लैक कलर की स्टिचिंग भी देखने को जरूर मिल जाएगी। एंड जो ये वाली पावर विंडोज है चारों की चारों, आपको उसके अंदर वन टच वाला फीचर जरूर मिल जाता है। आप यहाँ पे आराम से थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, एंड जो यहाँ पे फैब्रिक लगा हुआ है ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि कोई भी सामान खड़के ना, या फिर कोई स्क्रैचेस ना आपके इस वाले डोर पैनल के अंदर। आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे इन्वर्टर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है। सुपर की बाजिंग आपको अगेन यहाँ पे जरूर दे दी गई है। एंड अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं रियर सीट की बात कर लेता हूँ, सो आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लेग ग्रुप ओवर हेड। द अनटच सपोर्ट इज ऑन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। हेडरूम मेरे पास बहुत सारा है, एंड जो ये वाली सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट पीछे से भी हो जाती है। मैगजीन होल्डर मुझे यहाँ पे देखने को जरूर एक मिल रहा है। आपको यहाँ पे एक हुक भी मिल जाता है, एंड जो आगे वाली आपकी सीट बेल्ट है वो एडजस्ट भी जरूर हो जाती है। अगर मैं सेंटर वाले पैनल की बात कर लेता हूँ, सो यहाँ पे अगेन आपको 2 मिनट्स देखने को जरूर मिल जाएंगे, एंड आप पीछे का भी टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट जरूर कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। जो बीच वाला हम्प है वो बहुत ज़्यादा है, एंड अगर इस गाड़ी के अंदर 2 बंदी बैठे सो डैट वुड बी अ वेरी वेरी प्रेफरेबल पार्ट। आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को जरूर मिल जाएंगे। ऊपर तरफ आपको यहाँ पे व्हाइट लाइट भी मिल जाती है, एंड अगेन आपको सेंटर में इधर एक आर्म रेस्ट भी दे दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स एट द सेम टाइम। एंड जो आपका बूट है वो आप यहाँ पीछे से भी एक्सेस कर सकते हैं एट एन ईज, एंड छोटा मोटा सामान आप यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं। स्कॉडा सुपर का जो कॉकपिट एरिया है वो कई गुना ज़्यादा प्रीमियम है इसके रियर सीट से। अगर मैं इस गाड़ी की ये वाले डोर पैनल की बात कर लेता हूँ, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ पर डोर पैनल देखने को जरूर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पावर विंडोज के बटन मिल जाते हैं, कीप सम स्टफ ओवर हेयर टू। आपको यहाँ पे कैंटन की बैजिंग मिल जाएगी। सो जो इस गाड़ी का स्पीकर सिस्टम है वो कैंटन का लगा हुआ है, एंड आपको उस गाड़ी के अंदर
11 स्पीकर मिल जाते हैं कैंटन की तरफ से, और आपको एक सबवूफर भी ज़रूर मिल जाता है। अगेन अगर आपको गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन करने सो उसके बटन यहाँ पर लोकेट कर दिए गए। योर इंजन स्टार्ट शॉप बटन इज़ ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर। एंड जैसी ही वाली गाड़ी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, सो इस गाड़ी की जो MID है दैट लिट्स अप वेरी वेल। सो दिस कार इज़ अंडर अ वैले मोड, सो मैं इस गाड़ी के काफ़ी सारे फीचर्स अभी तक हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, सो आपको मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता हूँ। बट वन थिंग टू बी ऑनेस्ट, जो इस गाड़ी का ये वाला गेन MID है, इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम टू मी, एंड आपको एक 80 लाख रुपये की गाड़ी में फील जरूर दे देता है। अगर मैं इस गाड़ी के वाले स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पे हीटेड ग्रिप देखने को जरूर मिल जाएगी, एंड उसका बटन यहाँ पे लोकेटेड है। आपको इस गाड़ी के अंदर रे एंड रीच का फंक्शन भी जरूर दे दिए गए। आपको इस गाड़ी के अंदर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएंगे। पेडल शिफ्टर आपको यहाँ पे दे दिए गए। योर जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम का बटन है वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ जरूर दिख जाएगा। क्रूज कंट्रोल आपका यहाँ पर लोकेट कर दिए गए। अगर मैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की ही बात करूँ, तो आपको यहाँ आपको 10 इंची स्क्रीन अगेन मिल जाती है। एंड यू नो सिंस दिस कार इज अंडर अ वैले मोड अगेन, सो उसकी स्क्रीन में इतने से हैंडल यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बट दिस डस कम विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले। ये स्क्रीन ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएगी, एंड इट इज प्रीटी मच रिस्पॉन्सिव दैट आई कैन अश्योर यू वेरी वेरी वेल। अगर इस गाड़ी की आप कंट्रोल सिस्टम की बात कर लेता हूँ, सो आपको यहाँ पर डुअल जोन वाइज कंट्रोल सिस्टम मिल जाते हैं, एंड आपके जो वेंटिलेशन के बटन है वो यहाँ पर लोकेट आपको मिलते हुए जरूर दिख जाएंगे। एंड यू नो द फिट एंड फिनिशिंग ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम इज ऑन द वेरी वेरी कूल साइड, जिसके बटन भी आपको दे रखे हैं, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे अगेन बहुत अच्छा खासा एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, USB-C का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको इस गाड़ी के गियर नॉब के अंदर स्कोडा की बैजिंग भी यहाँ पे मिलती हुई जरूर दिख जाएगी, एंड आई थिंक दिस इज अ DSG गियर बॉक्स। आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे पार्क असिस्ट भी मिल जाएगा, सो आपको ये वाला बटन दबाना है एंड गाड़ी अपने लिए आप ही आपके लिए पार्किंग स्पॉट ढूंढ देगी एंड अपने आप ही पार्क हो जाएगी। आप अपनी गाड़ी का 360 व्यू भी इस वाले बटन से जरूर देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है। यू कैन चेंज द मोड ऑफ दिस कार, दैट इज नॉर्मल स्पोर्ट एंड इको मोड इफ यू वांट। आपको यहाँ पे ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। आप अपनी गाड़ी अगेन लॉक एनालॉग इस बटन से कर सकते हैं, एंड यू कैन कीप सम स्टफ और मे बी 2 कप होल्डर्स ओवर हेयर टू। अगर इस गाड़ी के ये वाले आर्म्स की बात करूँ, सो इट इज प्रीटी मच लॉन्ग इन साइज, एंड यू नो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ओपनिंग भी मिल जाती है, एंड इट इज अ कूल्ड आर्मरेस्ट। आपको यहाँ पे USB 8 का सॉकेट जरूर दे दिया गया है। अगर मैं इस वाले ग्लव बॉक्स की बात कर लूँ, सो इस वाले बटन से खुल जाता है, एंड इट डज कम विद द सॉफ्ट ओपनिंग एंड अ लाइट एट द सेम टाइम। LNK की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती हुई जरूर दिख जाएगी। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सॉफ्ट प्लास्टिक जरूर दिया गया टू गिव यू अ वेरी वेरी प्रीमियम फील। जिस गाड़ी का IRVM है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग मिलती हुई जरूर दिखेगी। आपको यहाँ पे एक वाइट लाइट एंड एक वाइट लाइट यहाँ पे भी मिल जाती है, एंड अगेन आपका जो ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर भी आपको एक लाइट एक मिरर मिल जाता है, एंड सेम गोस फॉर दिस ब्लाइंड एट द सेम टाइम। अगर मैं इसके A पिलर और B पिलर की बात कर लूँ, सो दे आर ऑन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, और वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है, सो ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। एंड अगर मैं इस गाड़ी के ओवरऑल कंफर्ट की बात कर लेता हूँ, सो एक बहुत अच्छी खासी फीलिंग आ रही है, एंड इसी बात पे ज़रा चलिए चलते हैं गाड़ी के इंजन की ओर। स्कॉडा सुपर LNK के अंदर आपको 2 लीटर TSI वाली मोटर मिल जाती है जो कि टर्बो चार्ज है, एंड ये प्रोड्यूस कर देती है 187 BHP एंड 320 Nm का टॉर्क। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे मैं बोनट की ही बात कर लेता हूँ, सो यहाँ पे आपको अगेन हाइड्रोलिक स्टड भी देखने को जरूर मिल जाएंगे, विच इज अगेन अ वेरी वेरी कूल पार्ट। जो इस गाड़ी की इंजन बे भी है वो काफ़ी भरी भरी हुई सी है, विच आई रियली लव। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी देखने को जरूर मिल जाएगी, बट ट्रस्ट मी सिंस दिस इज अ जर्मन इंजन, आपको यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर मैं इस गाड़ी की यहाँ पे माइलेज की बात कर लेता हूँ, तो माइलेज आपको यहाँ पे इतनी अच्छी खासी नहीं मिलेगी, बट व्हाट आई फील सिंस आप इस गाड़ी के ऊपर 60 लाख रुपए खर्च रहे हो, यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन माइल्स पर गैलन। अगर इस गाड़ी की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, सो आपको इस गाड़ी के अंदर 9 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एंड ग्लोबल एनकैप में एज यू नो जर्मन क्वालिटी रिनाउंड अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए ही, सो 5-स्टार रेटिंग इस गाड़ी ने जरूर अचीव कर ली थी। सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 60 लाख रुपए हैं, क्या आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं बायस बिल्कुल भी नहीं हूँगा, एंड यू नो व्हाट आई फील इज दिस कार इज एनी डे इज मच ऑफ अ बेटर डील देन योर टोयोटा फॉर्च्यूनर, योर मर्सिडीज A क्लास और मेरी BMW 2 सीरीज। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फीचर्स मिल जाते हैं। ऑडी A6 वाली आपको गाड़ी बिल्कुल बहुत अच्छी सी फीलिंग दे देती है, बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, एंड यू नो जो स्कॉडा का बैज है वो अपने आप में एक ब्रांड नेम है, एंड यू नो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे रॉयल्टी भी देने को जरूर मिल जाएगी। अगर आपको स्कॉडा की कोई भी गाड़ी लेनी हो, या फिर आपको ये वाली LNK या फिर लेट्स से आपको वो वाली स्कॉडा की पोशाक या फिर आपको वो वाली स्लागर लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट आर्या स्कॉडा मोती नगर। इनकी सर्विस अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपकी सारी सिक्योरिटी चुटकियों में ही दूर कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। हम फिर से आते रहेंगे और अच्छी वीडियो लेके। टिल देन पीस।